मधुबनी के डम्बर पार्क में जहां पर महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कई पार्टियां पॉलिटिकल पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महंगाई है जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और यहां पर जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कि आज की डेट में मजदूरों का दाम 100 रुपया हो चुका है, तो इस पर ये कमी होने का कुछ है निशा, ये बढ़ती ही रहेगा? ऐसा है कि मोदी सरकार ने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड पेट्रोल के मामले में तोड़ दिया है। उन्होंने खाली पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, पेट्रोल की वजह से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। जो गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, गाड़ी में सब्जियाँ आती, गाड़ी में खाने का अनाज आता है, आदमी प्रवास करता है, वो हिसाब से देखने जाएंगे तो पूरे देश के अंदर हर चीज़ के दाम बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। ऐसे ही कोरोना में लोगों के हाल हुए हैं, लोगों को नौकरियां कोरोना से पहले उन्होंने बर्बाद कर दी थी। अब इस देश में लोगों को वो भूखे मरने की नौबत आएगी, और इसी तरीके से अगर पेट्रोल का दाम वो बढ़ाते रहे और लोगों को गुमराह करने के लिए फिर हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहे तो क्या इस देश का भविष्य होगा? ये आज लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आ चुका है, और दिनों रात मिलकर जो है वो चीज पेट्रोल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। असम भाई, जो मालवनी में जो नशा बढ़ता जा रहा है, इस पर आप किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? नशा के ऊपर पूरे मुंबई के अंदर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है, और खास करके विशेष करके मालवनी हो गया, गवंडी हो गया, मानपुर हो गया, जहाँ जहाँ भी स्लम एरिया है, इसमें हमने टारगेट दे रखा है कि पुलिस ने कोई भी कीमत पर किसी को जो है ड्रग्स करने देना नहीं चाहिए। पीने वाले के ऊपर भी कार्रवाई होगी और बेचने वाले पे डबल कार्रवाई। ये जो मोर्चा रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने अपने खुद के लिए रखा है, आम जनता के लिए रखा है, तो हर एक आम जनता को सोचना चाहिए। पहला आज किसी को काम में जॉबलेस है, तैयारी करते हैं लोग, तैयारी करते हैं तो 500 रुपया मिलता है, 500 रुपये में एक टाइम का अपने घर में खाना नहीं मिलता है। और ये लोग हैं 200 रुपये लीटर दाल हो गई, 150 रुपये किलो पेट्रोल की तो बाजू, ये सब पेट्रोल से निगड़ित है। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं आपको मानता हूँ, ये मीडिया को मानता हूँ, क्योंकि ये मीडिया जो सच्चाई बताने का काम कर रही है और नहीं कर रही है, इसका जवाबदार आप लोग हो। सब मीडिया को आप नहीं बोल सकते। 99% मीडिया को बोल देता हूँ मैं, ये मीडिया जो बताना चाहती है वो नहीं बताती है। जो आपका काम है आप सही तरीके से करो, तभी जनता खुश हो जाएगी। जो सच्चाई है वो मीडिया बताएगी, लेकिन जो मीडिया नहीं बताती है वो अलग बात है, आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जगह जगह पे पूरे मुंबई में दिया जा रहा है कि आप लोग रोड पे बैठेंगे, धरना देंगे, इसके लिए खाली एक शुरुआत है। कोरोना का महामारी खत्म हो रही है, ये तो हमने खाली एक फोन पे आए हुए लोग हैं। अगर ये कोरोना महामारी नहीं होती तो ये रास्ता, ये गाड़ी चलती वो गाड़ी चलती हुई नहीं दिखती, कहीं ना कहीं ठहरी हुई दिखती थी। ये हमारा एक खाली एक तुम्हारा एक खाली एक मोर्चा ये निकाला, एक आपको क्या बोल सकते हैं, खाली एक तुम्हारा एक झलक निकाली है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्या बात है, मतलब अभी ये झांकी है। कब तक आप लोग इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे सर? देखो, हम लोग जब तक हम कांग्रेस सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दिन सोएंगे नहीं, ऐसे ये सरकार जब तक 2024 में गिरती नहीं है तब तक हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। मोदी सरकार एक हिंदुस्तान को खोखला करने में लगा है। मैं ना कहना शेख है, हम महिलाएं जो है ना इस महंगाई से ज्यादा जूझ रही है। आगे करो भाई, सरकार तो बैठे बैठे कुर्सी का ऑर्डर दे देती है।
जिसका भाव बढ़ा उसका भाव बढ़ा, लेकिन जो औरतें हैं जो घर फैमिली है वो अपना घर गुजारा कैसे करती है, जो पब्लिक रोज कुआं खोदती है पानी पीती है वो कहाँ जाएगी। आज मोदी सरकार के राज में पब्लिक भूखी मर रही है, पब्लिक बिना पैसे के बिना खाने के रोड पे आ गई, किसी का घर टूट गया। मोदी सरकार कहाँ इस वक्त, मोदी सरकार को सामने आना चाहिए, पब्लिक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर ये मोदी सरकार जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मोदी सरकार को हम बताएंगे वुमेन पावर क्या होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम वुमेन्स को ये सब झेलना पड़ता है, बच्चों के खाना पीना, हस्बैंड का पढ़ाई लिखाई। कितने बच्चे ऐसे जो अनएजुकेशन हो गए जिनकी फीस नहीं भरी गई है। मोदी सरकार ने कहा लॉकडाउन में बच्चों को फीस माफ है, लेकिन क्या हो रहा है, हर स्कूल में फीस लेते हैं ना। कितने बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे घर बैठे, कहाँ है मोदी सरकार, कहाँ है मोदी सरकार जो फकीर बना के अपना भर के चल रहा है। मोदी सरकार औरतें झेल रही है, सारी चीजें औरतें झेल रही है, कैसे गुजारा कर रहा है, क्या भूखे मर रहे, वो भूखे सो रहे, क्या मोदी सरकार आई किसी के घर में देखने के लिए। हमें नहीं चाहिए, जो सरकार हमारे लिए शुरू से आखिर तक करती आई है वही कांग्रेस पार्टी, और हमें कांग्रेस पार्टी ही चाहिए। हमको हमारा पुराना दिन चाहिए, पुराना दिन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। झूठ पे झूठ, झूठ हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, आदमी लोग भड़क रहे हैं, कभी भी झोला उठा के चले जाएंगे, सबका झोले में भर के चले जाएंगे। और ये चीज हम आम जनता के ऊपर है, अगर हम आम जनता सड़क के खिलाफ तो वो कुछ नहीं कर सकती है। हम आम जनता घर में बैठे, आप लोग कभी सड़क पे कभी आएंगे क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। सोशल डिस्टेंस करके चल रहे हैं। मीडिया का सवाल है, आप रोड पे कब आओगे? मीडिया का सवाल है, आप रोड पे कब आओगे? इसका जवाब मीडिया का सवाल है, आप रोड पे कब आओगे? आम जनता घर में बैठी है कोरोना के डर से, मोदी सरकार के अगेंस्ट। अच्छा मालूम नहीं, बहुत सारी एनजीओ है, जनता भी है, तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सब चोर है, समझना जेब भर रही है। कांग्रेस की पद अधिकारी तरन्नुम जी है, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेके? थोड़ा महंगाई को लेकर के मैं क्या कहना चाहूंगी, बल्कि पूरी जनता कहना चाहेगी। एक्चुअली अभी जैसा कि आपने स्पीच में सुना कि कोरोना चला जाएगा तो हम लोग रोड पे चक्का जाम करेंगे, लेकिन कोरोना तो मोदी जी से अपॉइंटमेंट लेकर आया है ना, तो वो जब वो बोलेंगे तो ही जाएगा, तब जाकर के हम लोगों का कार्यक्रम जो है वो ठीक तरीके से किया जा सकता है। लेकिन ये देखा जाए तो ये आम जनता की परेशानी है, ये कोई कांग्रेस पार्टी की परेशानी नहीं है, ये हम सभी की परेशानी है। इसलिए हम लोग जागृत करने के लिए जनता को रोड पे जो आए हैं, हम चाहते हैं कि जनता जागृत हो जाए और वो महंगाई के खिलाफ खुद आवाज़ उठाए। अगर हम सब एक होकर के बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक जाएगी, और कहते हैं ना कि एकता में बल है, तो जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हम चाहे तो अपने जो दिन अच्छे थे वो वापस ला सकते हैं। ये मोदी सरकार ने जो बोला है अच्छे दिन आएंगे, वो आएगा नहीं, हमारे जो बुरे दिन थे ना हम वही उसको अच्छे दिन में चेंज कर लेंगे अगर ये सरकार हट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।